नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में लोग 3 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आज भी आपके लिए लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक है जहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में मैं थोड़े देर से आया हूँ, तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जैसे PDF हो गया, पिक्स हो गया, जो मैं नॉर्मली यूट्यूब में शेयर नहीं कर पाता वो टेलीग्राम में जाके कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप यहाँ पे भी जुड़ जाइएगा, इस लिंक में आप जाकर जुड़ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पेज लाइक नहीं किए तो प्लीज़ फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, और आप चाहो तो क्लासेस से जुड़े जो PDF वगैरह होते हैं वो इंस्टामोजे पर इस लिंक में जाकर खरीद सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे विषयों के वीडियोस मिल जाते हैं, हमारे वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दिया हुआ है जहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं कल के पूछे हुए क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वन कटाई ह्रास से उत्सर्जन में कमी अर्थात रेड डी प्लस रणनीति किसने जारी की है, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही जवाब है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। आप सभी ने कमेंट में इसका सही जवाब दिया है, डॉक्टर हर्षवर्धन इसका राइट आंसर था। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो पिछले क्लास में हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप क्लास जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह आप पूरा क्लास देखा करिए दोस्तों, और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब दिया करिए। तो चलिए, आज के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होंगे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब वो है रानी रामपाल। अब रानी रामपाल के संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो है महिला हॉकी टीम की कप्तान है। महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को 18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ जो है पूछी जा सकती हैं ध्वजवाहक के संदर्भ में। एक तो ये है कि जब नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक थे तो उद्घाटन के समय थे, ठीक है, एशियन गेम का जब उद्घाटन हो रहा था, उद्घाटन के समय जो है ये ध्वजवाहक थे, ठीक है, और ये जो है समापन के समय। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में IBA कहा जाता है, तो आपको ये बताना है कि इन्होंने 2018-19 में नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सुनील मेहता। सुनील मेहता के संदर्भ में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वर्तमान में ये पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी हैं। कौन? सुनील मेहता, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के लिए इन्हें क्या अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में संपन्न विश्व युवा मुक्केबाजी का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको दो तीन और क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। एक तो ये कि विश्व युवा मुक्केबाजी जो है कहाँ पे हुआ, ठीक है, विश्व युवा मुक्केबाजी का जो है खेल कहाँ पे हुआ, तो हंगरी में हुआ। हंगरी में कहाँ पे हुआ? बुडापेस्ट में हुआ। तो इस तरह जो है आप एक एक चीज़ में ध्यान दिया करिए। तो देखिए, अब हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, विश्व युवा मुक्केबाजी का खिताब साक्षी चौधरी ने अपने नाम किया है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 57 किलोग्राम में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अब बात करें अनामिका और मनीषा की, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। अनामिका ने जीता है 51 किलोग्राम के रेंज में, और इन्होंने जीता है 64 किलोग्राम के रेंज में, ठीक है। रजत पदक इन दोनों ने जीता है, और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक 57 kg के रेंज में। तो ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, 18वें एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक का भारत के सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, टोटल 69 पदक भारत ने जीता है, ठीक है। टोटल कितने पदक जीते हैं भारत ने? 69। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने स्वर्ण, कितने रजत या कितने कांस्य। तो देखिए, इस तरह से मैंने ऑप्शन जानबूझ के यहाँ पे शेड किया है ताकि आपको याद हो जाए। 15 स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, 24 जीता है रजत, और 30 जो है कांस्य पदक भारत ने जीता। इस तरह आप टोटल करोगे तो 69 हो जाता है। और भारत का अंक तालिका में क्रम कौन सा है? 8वां, ठीक है। तो देखिए, 18वें एशियाई गेम में ट्रिक की तरह भी आप याद रख सकते हो, 8वां क्रम भारत का रहा। अब अंक तालिका में सबसे पहला कौन रहा, दूसरा कौन रहा, तीसरा कौन रहा, इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, चीन जो है सबसे पहले स्थान में रहा 289 पदक के साथ, 289 में 132 तो इनका स्वर्ण पदक था, ठीक है, चीन का। दूसरे स्थान पे रहे जापान,
और तीसरे स्थान पे रहे दक्षिण कोरिया। तो ये सारी चीज़ जब भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। कम से कम ये तो याद रखिएगा, पहले स्थान पे चीन रहा 289 पदक के साथ, जिसमें 132 इनका स्वर्ण था, 92 रजत था, 65 कांस्य था। ठीक है, भारत का प्रदर्शन कैसे था, 15 स्वर्ण जो भारत जीते हैं इस बार, वो आज से बहुत मतलब 1951 में सीधे 15 स्वर्ण जीते थे भारत। ठीक है, जब दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था 1951 के बाद, बहुत मतलब इतने लंबे समय के बाद भारत जो है 15 स्वर्ण की बराबरी किया है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, दिल्ली मुवेलो साइक्लोन का आयोजन किसने किया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब वो है नीति आयोग। नीति आयोग ने दिल्ली मुवेलो साइक्लोन का आयोजन किया है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो है कि 9 किलोमीटर साइक्लोन का लक्ष्य क्या था, परिवहन के भविष्य और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, नीति आयोग द्वारा आयोजित दिल्ली मुवेलो साइक्लोन को इंडिया गेट से गृह मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 2 सितंबर को ध्वजांकित किया। किसने किया, किरेन रिजिजू। तो ये भी आप याद रखिएगा, 2 सितंबर से ये है स्टार्ट हुआ, 2 सितंबर को। अब बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, 2021 की जनगणना में पहली बार किस वर्ग से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो आंसर है वो है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पे आया गलती से टाइप हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी। ओबीसी से जुड़े जो आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, पहली बार ये किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2021 की अभी होने वाले जनगणना में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो ही सकता है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, मिले बांचे कार्यक्रम चल रहा है, आपको ये बताना है कि इस कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। अब मिले बांचे कार्यक्रम क्या है, ये आपको बता देते हैं। तो ये स्कूल और समाज के बीच इंटरेक्टिव कार्यक्रम है। इसमें क्या किया जाएगा, स्कूली बच्चों को ये बताया जाएगा कि आप टेक्स्ट बुक या मतलब जो अपने अध्ययन से जो रिलेटेड जो बुक रहता है उनसे हट के भी आप जो है किताबें पढ़ा करिए। ठीक है, किताबें इनको जो है प्रोवाइड किया कराई जा रही है, और इन किताबों के माध्यम से इनके कौशल मतलब इनके जो स्किल होगा उनमें बहुआयामी जो है विकास करने की दिशा में जो है एक कार्यक्रम चल रहा है मिले बांचे, तो ये आप याद रखिएगा। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। हाल ही में सिंघफन वन्य जीव अभ्यारण्य को हाथी रिजर्व घोषित कर दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि ये अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो अभ्यारण्य है वो नागालैंड में स्थित है। नागालैंड सरकार ने सिंघफन वन्य जीव अभ्यारण्य को हाथी रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नागालैंड सरकार के द्वारा इसको हाथी रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस तरह जो है ये 30वें नंबर का जो है ये रिजर्व हो जाता है हाथी रिजर्व। ठीक है, कौन से क्रम का, 30वां क्रम का। ठीक है, टोटल 29 थे और ये हो गया 30, तो आप याद रखिएगा 30वें क्रम का हाथी रिजर्व हो गया सिंघफन वन्यजीव अभयारण्य, जो कहाँ पे है, नागालैंड पे है। बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की ओर। नवा प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में पर्याप्त पूंजी और कमाई न कर पाने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, किस बैंक का मान्यता आरबीआई द्वारा अभी समाप्त कर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक। ठीक है, भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तो राजस्थान स्थित ये जो बैंक है इसकी जो लाइसेंस है वो आरबीआई द्वारा रद्द कर दी गई है, आपको याद रखना है। अब आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 के लिए किसे नामित किया गया है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। अगर आपको डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में हम एक दो चीज़ आपको बता देते हैं। ये जो है डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार 1962 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च चिकित्सा सम्मान है। ठीक है, बसंत कुमार मिश्रा को ये दिया जा रहा है। बसंत कुमार मिश्रा जो है पीडी हिंदुजा अस्पताल में सर्जरी न्यूरो सर्जन और गामा नाइक रेडियो सर्जरी विभाग के प्रमुख हैं। तो ये सारी चीज़ आप चाहो तो याद रख सकते हो, इतना तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। कम से कम ये याद रखिए कि डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किसे किए गए हैं, तो आप बस नाम याद रखिए, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। तो इस तरह आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चंस देख लें। अब आपको एक क्वेश्चन हम पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का ये सवाल है,
एक राष्ट्र एक चुनाव से आप क्या समझते हैं, इसको जो है मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है? तो आप अगर टाइप नहीं कर सकते इतना पूरा लंबा, तो आप कम से कम ए बी सी या डी इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे वीडियो हमेशा पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।